जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास है टाटा नेक्सॉन और ऑलमोस्ट इस गाड़ी को होने वाले हैं 2 साल। अब 2 साल में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कार की जो बैटरी है उसे रिप्लेस कराना पड़ जाए, बट यहाँ पर एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपनी कार की बैटरी 1 हफ्ता पहले मुझे चेंज करवानी पड़ गई। और वो क्यों चेंज करानी पड़ी वो मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, कौन सी बैटरी डलवाई है, बैटरी डलवाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन सी बैटरी चूज़ करनी चाहिए। मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी बैटरी रिप्लेस कराने का, हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग कहेंगे कि बैटरी रिप्लेस कराने का क्या एक्सपीरियंस है, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि बैटरी एक तो बहुत जल्दी जो कंपनी फिटेड OEM फिटेड जो बैटरी है उसको रिप्लेस कराना पड़ा, और उसके बाद जब मैं लेने गया तो मुझे कौन सी बैटरी ली वो मैं बताऊंगा आपको। अब मेरी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चली है और बहुत ज़्यादा 2 साल में 20,000 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली इसमें मुझे सेल्फ भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए होंगे, या मेरी गाड़ी में ऐसा भी कोई सीन नहीं रहता है कि मुझे गाड़ी खड़ी करके AC चल रहा है या खड़ी गाड़ी में बैटरी कंज्यूम हो रही है, वो सीन भी नहीं है। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा ये है कि बैटरी अब मैंने डलवाई है उनो मिंटा की, तो उनो मिंटा की बैटरी क्यों डलवाई। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस करने निकला मैं, बहुत सी शॉप्स में गया, एक्साइड की बैटरी पहले लगी हुई थी और वो जो है वो 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो गई। कंपनी की वारंटी भी 1 साल की रहती है तो मुझे उसमें कोई क्लेम भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अगर बैटरी डलवानी है तो क्यों ना मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, चीज़ों को समझाया जाए कि कौन सी बैटरी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली आँख बंद करके हमारे सामने 2 या 3 ब्रांड्स ऐसे आते हैं उन्हीं बैटरीज में से हम लोग रिप्लेस करा लेते हैं, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। अब मुझे भी ये सजेस्ट किया गया, मैं आप देख रहे हैं जैसे सीन्स में देख रहे हैं कि मैंने बहुत सी शॉप्स में ट्राई किया, इनफैक्ट जिस शॉप से मैंने लगवाई उन्होंने भी सबसे पहले मुझे वही बैटरी रिकमेंड करी, लेकिन मेरा ये मानना था कि मुझे अब बैटरी ऐसी चाहिए जो मेरे को लॉन्ग लास्टिंग रहे, जो पेपरलेस मेरे को वारंटी दे। कहीं भी उस गाड़ी को आउट ऑफ दिल्ली भी हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे उसकी कोई वारंटी कार्ड या कोई इनवॉइस वगैरह साथ ना रखना पड़े, सिर्फ जो सीरियल नंबर है उसकी बेस पे मुझे वारंटी मिल जाए। अब इसकी बात करते हैं उनो मिंटा बैटरी लगवाई क्यों। रीज़न ये है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है XX टेक्नोलॉजी जो इसको बनाती है आपको मेंटेनेंस फ्री, जनरली टॉपअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे चेकअप्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस बैटरी में, 55 मंथ्स की इसकी वारंटी है। दूसरा CACA टेक्नोलॉजी बताया गया, इसका मतलब है कि आपको इसमें टॉपअप फ्री और मेंटेनेंस फ्री ये बैटरी हो जाती है, आपको टॉपअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर इसको चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जनरली अब देखते आए हैं कि बैटरीज में चाहे वो इन्वर्टर बैटरीज हों चाहे वो आपकी कार बैटरीज हों स्कूटी बैटरीज हों, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस नहीं करानी पड़ेगी। अब आप 5 साल ऑलमोस्ट 5 ईयर्स 55 मंथ्स जो है वो एक तरह से टेंशन फ्री होकर अपनी कार को चला सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा एक ड्यूरेशन है। और प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो प्राइस वाइज भी ये काफ़ी ईजी रहती है आपके पॉकेट के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है कंपैरेटिवली दूसरी बैटरीज के। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है या इनफैक्ट बेटर ही मिलती है आपको उन सारी ब्रांड्स के जो आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि जनरली हम सबसे पहले पिक करते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं तो। लेकिन इसमें क्या रहता है परफॉर्मेंस उतनी ही मिलती है। थर्ड इसका पॉइंट रहता है ऑल इंडिया पेपरलेस वारंटी, यानी कि अगर आप कहीं भी जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आपको वो सारे झंझटों से सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना है वारंटी कार्ड साथ में रखना है, तो इंडिया आप किसी भी आउटलेट में जाएंगे एनीवेयर इन इंडिया आपको वहाँ पर आपको पेपरलेस वारंटी मिलेगी। फोर्थ पॉइंट इसका आता है क्रैंकिंग परफॉर्मेंस, बेटर क्रैंकिंग परफॉर्मेंस, यानी कि जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं सेल्फ देते हैं गाड़ी को तो एफिशिएंटली वे में और बेटर वे में ज़्यादा क्विक वे में आपको इसका क्रैंकिंग परफॉर्मेंस मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी AGM सेपरेटर के साथ आती है और दूसरा इसमें हाई प्योरिटी लेड यूज़ किया जाता है। उनो मिंटा इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैटरी ब्रांड है जो हाल ही के दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लोगों का ट्रस्ट जीत रहा है। लोग जो 1000s of ऐसे ओनर्स हैं कार ओनर्स हैं जिन्होंने अब अपनी कार में उनो मिंटा की बैटरी को इंस्टॉल किया है, स्पेशली मैं बात करूँ फ्लीट जो ओनर्स रहते हैं जो बेसिकली कार जो टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं या जो कमर्शियल कार्स को चलाते हैं वो लोगों की पहली पसंद ही एक बैटरी रहती है उनो मिंटा की। रीज़न भी कि उनकी जो यूसेज है बैटरी की एक दिन में ऑलमोस्ट 20 से 25 बार 30 बार 50 बार उनका सेल्फ लगना है या उनकी खड़ी गाड़ी में जो है बैटरी का कंज्यूम ज़्यादा होना है, तो कोई भी वो बैटरी डलवाते हैं उसकी जो लाइफ रहती है वो 1 साल 1.5 साल के आसपास रहती है, 12 से 15 महीने मैक्सिमम 18 महीने रहती है, तो एक कॉस्टिंग का फैक्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पर काम आती है उनो मिंटा की बैटरी जब वो अपनी कार में ये वाली बैटरी लगाते हैं, पहले तो वो उनको बैटरी है कंपैरेटिवली बाकी बैटरियों से कॉस्ट में काफ़ी रिजनेबल पड़ती है, दूसरा परफॉर्मेंस हाई होने की वजह से उनको उस तरह से फ्रीक्वेंट चेंज बैटरी का नहीं करवाना पड़ता है। वीडियो को फाइनल कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बैटरी चूज़ करते हैं तो वही बैटरी चूज़ कीजिए जो आपकी कार के लिए भी सेफ है, बेटर परफॉर्मेंस देती है, बेटर क्रैंकिंग परफॉर्मेंस देती है, बेटर ड्यूरेबिलिटी देती है और कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे भी सूट करती है, सेट बैठती है, आपको ज़्यादा जो है पॉकेट पे हैवी नहीं रहती है। मैंने तो उनो मिंटा की बैटरी को चूज़ किया।
अब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग थी, पर्सनल रिसर्च, या मैंने जो भी चीज़ों को समझा उसके अकॉर्डिंग ये समझा कि हम वो बैटरीज़ को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, हमें सजेस्ट की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करना है, ये देखना है कि मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी कार के लिए बेटर हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और प्राइस वाइज भी कहीं ना कहीं वो कंपैरेटिवली लोअर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन येस कंपैरेटिवली आपको एक अच्छा कंपिटिटिव प्राइस आपको इसमें देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर बैटरीज। हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने बाकी अपने नॉर्मल वीडियो से हटके थोड़ा बनाया, बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो OEM बैटरी का था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो मेरी ये चॉइस थी कि मैं अब वो वाली बैटरी लूँ जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा देर तक मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दे और मुझे बार बार जो है फिर अगेन एक साल दो साल में उसे रिप्लेस ना करना पड़े। तो मैंने फाइनली यूनो मिंडा की बैटरी को ही चूज़ किया। अगर आपको भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही कॉन्टेंट ज़्यादा बनाते हैं और कोशिश अब ये करते हैं कि जनरल ओनरशिप रिव्यूज़ के अलावा आपके लिए वो सारे कॉन्टेंट भी लेकर आएँ जो उसके सराउंडिंग्स में है, ऑटोमोबाइल के सराउंडिंग्स में है, चाहे वो कोई ब्रांड हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, अपनी पर्सनल रिसर्च और उसके ऊपर बेस्ड रहती है। जैसे कि अब मैंने अपनी खुद की कार में जो बैटरी चेंज कराई तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इस चैनल पे, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू भी हमारे चैनल पर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल आईडी पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।